पढ़ते हुए आपको बताएंगे, पाक फौज अवाम और मुल्क के दिफा के लिए है, फौज को किसी भी गैर आइनी इकदाम से रोकेंगे। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल के खसूसी अदालतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स, कहा 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। मियांवाली में दीवार तोड़कर फौजी तनसीबात पर हमला किया गया, पाक फौज ने गोली न चलाकर दुरुस्त इकदाम किया, हम आइन और अवाम का दिफा करेंगे। एतजाज एहसन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम पर सोमोटो नोटिस लेने की इस्तदा कर दी, कहा मुल्क में इस वक्त मार्शल्ला जैसी सूरत हाल है, इस कानून से लामहदूद इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये बिल अभी पार्लियामेंट में जेर बहस है, हमें इसका ज़्यादा इल्म नहीं, लार्जर बेंच का फैसला है, अकेला चीफ जस्टिस अस खुद नोटिस नहीं ले सकता। समात गैरमुना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट का सिविलियंस को सहूलियात देने का हुक्म बरकरार रहेगा। पढ़ते हुए आपको बताएंगे, पाक फौज अवाम और मुल्क के दिफा के लिए है, फौज को किसी भी गैर आइनी इकदाम से रोकेंगे। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल के खसूसी अदालतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स, कहा 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। मियांवाली में दीवार तोड़कर फौजी तनसीबात पर हमला किया गया, पाक फौज ने गोली न चलाकर दुरुस्त इकदाम किया, हम आइन और अवाम का दिफा करेंगे। एतजाज एहसन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम पर सोमोटो नोटिस लेने की इस्तदा कर दी, कहा मुल्क में इस वक्त मार्शल्ला जैसी सूरत हाल है, इस कानून से लामहदूद इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये बिल अभी पार्लियामेंट में जेर बहस है, हमें इसका ज़्यादा इल्म नहीं, लार्जर बेंच का फैसला है, अकेला चीफ जस्टिस अस खुद नोटिस नहीं ले सकता। समात गैरमुना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट का सिविलियंस को सहूलियात देने का हुक्म बरकरार रहेगा।